नमस्ते। नवरात्रि के आठवें दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, जिसे हम अष्टमी कहते हैं। आज के दिन हर कोई कन्याओं को खाना खिलाता है। कन्याएं जो 8 साल तक की हों या 8 साल के नीचे की हों। जब हम आज के दिन की बात करते हैं तो हम महागौरी की बात करते हैं। महागौरी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने बहुत तप किया शिव जी को पाने के लिए। जब उन्होंने बहुत तप किया तो उनका पूरा शरीर काला हो गया, इतना काला हो गया, पूरा सूख गया, उस पे धूल मट्टी आ गई। शिव जी फिर प्रसन्न हुए और गंगा जल से उनके शरीर को धोया। जब उनके शरीर को गंगा जल से साफ किया गया तो वो स्फटिक के समान चमकने लग गई। उनका तेज पूरे विश्व में फैल गया। इस प्रकार उनका नाम महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब हम बात करते हैं माता की, तो माता के बारे में और आज के दिन के बारे में ये बोला जाता है कि अगर आज के दिन हम महागौरी का ध्यान करते हैं तो जो भी हमारे पिछले कर्म हैं, यानी पूर्व जन्म के जो भी हमारे संचित कर्म हैं, वो इससे हम मुक्त होते हैं। यानी उनके द्वारा जो कुछ भी हम इस जन्म में भोग रहे हैं, हम उनसे मुक्त होते हैं। तो आज के दिन जो हमें ध्यान करना है वो अपने सहस्त्रार। जब लास्ट टाइम यानी हमने कल जाना था कि हमें सहस्त्रार पे अपने ध्यान को रखना है, अपने सर के लेफ्ट साइड यानी बाएं की तरफ, बाएं हाथ की तरफ हमें अपने ध्यान को रखना है। आंख बंद करके अपना ध्यान अपने लेफ्ट की तरफ इस जगह पर लगाना है। 15 मिनट तक आंख बंद करके बैठना है और महागौरी का ध्यान करना है। महागौरी का मंत्र पढ़ सकते हैं, उनकी कहानियां सुन सकते हैं। इस प्रकार जब हम महागौरी का ध्यान करते हैं तो हम पुराने कर्मों से मुक्त होते हैं, पिछले जन्म के कर्मों से मुक्त होते हैं। आज के दिन की बहुत ही महानता है। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन ही बहुत ही काम के हैं, लेकिन आज का दिन इसके लिए मायने रखता है कि जो भी हमारे कर्म घट रहे हैं, हम इस संसार में आए हैं, वो इसके लिए ही आए हैं क्योंकि हमारे पिछले जन्म का हिसाब किताब बाकी है। जब हम आज के दिन ध्यान करते हैं और अपना ध्यान लेफ्ट साइड में रख कर करते हैं, आंखें बंद, तो फिर हम पुराने जन्मों से उनके पापों के द्वारा जो भी हमने भोगा है या जो हम भोग रहे हैं, उससे हम मुक्त होते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारा नया जन्म होगा वो भी बहुत ही सोच समझ कर अच्छी जगह पे होगा, या हो सकता है कि हम जन्मों जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो इसके लिए आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेहाज डिवाइन वर्ल्ड को देखने के लिए, लाइक करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।